बड़ा अच्छा फील हो रहा है, लेकिन अफरीदी अफरीदी है और वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा फास्ट बॉलर है, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। मुझे बताएं कि लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं, शाहीन अफरीदी टीम में है, एक स्टार जा रहा है, दूसरा अफरीदी स्टार बन के टीम में है, कैसे देख रहे हैं इस लेगेसी? शाहीन अफरीदी इतमाद बनने से पहले भी बहुत ही अच्छे बॉलर थे, हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। बड़ा अच्छा फील हो रहा है उनको जब देखते हैं ना, तो हमें अफरीदी की झलक आती है बिल्कुल, तो हमें खुशी है और वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा फास्ट बॉलर है, मज़ा आता है उसको देखने के लिए क्रिकेट जो भी है। वर्ल्ड कप का मैच देख लें जिसमें उसने एक ही ओवर में मैच खत्म कर दिया है, इसको तो अच्छी तरह दे रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग में विकेट्स लेते हैं अच्छी वाली। लेगेसी को देखते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अफरीदी अफरीदी है, अफरीदी का मुकाबला कोई नहीं। शाहीन अफरीदी भी जो है वो बॉलर अच्छा है वैसे तो, वैसे जो बैट्समैन के वाले से वो अफरीदी अफरीदी है, यानी बूम 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 ही है जी। दोनों खानों ने पाकिस्तान के लिए अच्छा खेला है, तो शाहीन भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं और ये उसको कंटिन्यू भी कर रहे हैं, वो अभी देखा जाए तो अभी भी नंबर वन बॉलर है T20 में भी, साथ इंशाल्लाह बहुत अच्छा देखेंगे। कोई बात नहीं, वो स्टार बन गया तो वो तो सुपर स्टार है शाहीन अफरीदी, तो इंशाल्लाह वो भी आने वाले वक्त में स्टार बन जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो अफरीदी छक्के लगाता था, ये अफरीदी किसी को छक्का लगाने नहीं देता, विकेट उड़ाता है हर मैच में, पहले ओवर में आउट करता है, बहुत अच्छा लगता है देख के। वैसे भी उनके दामाद बनने जा रहे हैं तो अफरीदी तो जिंदा ही रहेगा इंशाल्लाह, जिसमें रोहित शर्मा और केएल राहुल को आउट करके उसने मैच को फिनिश कर दिया है, यानी अपनी लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं जी। आई थिंक नहीं, ये तो डिफरेंट है, शाहीन अफरीदी था बैट्समैन एक छक्के मारता था, शाहीन अफरीदी बॉलर है तो लेकिन एक स्टार जा रहा है दूसरा स्टार टीम में, हाँ ये भी कह सकते हैं आप, ये भी सही है। उन्हें आपको मनवा रहा है और मनवाया है, आगे भी मनवाएगा, वो लेगेसी कंटिन्यू रखेगा, अफरीदी अफरीदी को टेक ओवर कर लेगा इंशाल्लाह।